नेक्स्ट है चैप्टर टू, रोमन न्यूमरल्स। रोमन न्यूमरल्स यानी रोमन अंक। आगे है रीडिंग एंड राइटिंग रोमन न्यूमरल्स अप टू 100। इन दिस सेक्शन वी शैल एक्सटेंड लर्निंग ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग ऑफ दिस न्यूमरल अप टू 500। वी नो दैट देयर आर 7 बेसिक सिंबल्स टू राइट एनी न्यूमरल्स। दीज सिंबल्स विथ देयर करिस्पॉन्डिंग हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स आर गिवेन बिलो। रोमन न्यूमरल्स, हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स, यानी रोमन न्यूमरल्स हमारा दिया है फर्स्ट, मतलब यहाँ पे दिया है आई की तरह बनाया, तो ये हमारा होता है, ये रोमन नंबर में है, इसको हिंदू अरेबिक में लिखेंगे तो ये 1 होता है, वी है 5, एक्स 10, एल 50, सी 100, डी 500, एम 1000। आगे है रूल फॉर फॉर्मिंग रोमन न्यूमरल्स। रूल नंबर 1, रिपीटेशन ऑफ ए रोमन न्यूमरल मीन्स एडिशन। यहाँ पे हमको क्या दिया है, एडिशन। तो एग्जांपल के लिए हम लेते हैं, यहाँ पे आई और आई की तरह हमको लिखा है, तो ये हमारा हो जाएगा 1 + 1 = 2, तो ये हमारा हो जाएगा एडिशन, मतलब कि यहाँ पे हमको एडिशन यानी प्लस करना है। नेक्स्ट है रूल 2, ए स्मॉलर न्यूमरल रिटन टू द राइट ऑफ ए लार्जर न्यूमरल इज ऑलवेज एडेड टू द लार्जर न्यूमरल्स। इसमें एग्जांपल हमको दिया है वी आई इज इक्वल टू, यहाँ पे वी हमारा हो जाएगा 5, आई हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 6। इसमें हमको बोल रहा है कि अगर हम एक छोटी संख्या में एक बड़ी संख्या जोड़ते हैं तो हमारा लार्जर न्यूमरल यानी बड़ी संख्या आती है। रूल 3 है, ए स्मॉलर न्यूमरल रिटेन टू द लेफ्ट ऑफ ए लार्जर न्यूमरल इज ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द लार्जर न्यूमरल्स। एग्जांपल्स आई वी इज इक्वल टू, मतलब हमारा यहाँ पे दिया है आई वी, ये हमारा वी हो जाएगा 5 और आई मतलब 1 इज इक्वल टू 4। एक्स कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एल एंड सी ओनली। इसके बाद आते हैं रूल नंबर 4 में, व्हेन ए स्मॉलर न्यूमरल इज प्लेस्ड बिटवीन टू लार्जर न्यूमरल्स देन इट इज ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द लार्जर न्यूमरल इमीडिएटली फॉलोइंग इट। इसमें हमको एग्जांपल दिया है एक्स आई वी इज इक्वल टू, एक्स का मतलब हो गया हमारा 10 प्लस वी हो जाएगा 5, मतलब आई वी है तो हमको यहाँ पे 5 में से 1 माइनस करना है, तो ये हमारा हो जाएगा 14। इसके बाद हम आते हैं राइटिंग रोमन न्यूमरल्स फॉर हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स अप टू 500, मतलब क्या हमें यहाँ पे 500 तक रोमन नंबर्स दिए हैं। इसके बाद आते हैं द न्यूमरल्स 1, 2, 9, 10, 20, 30, 14, 90 and 100, 200, 500 कैन बी रिटन इन रोमन न्यूमरल यूजिंग द एवव रूल्स एज शोन बिलो। इसमें हमको दिया है हिंदू अरेबिक न्यूमरल, मतलब यहाँ पे हमको हिंदू अरेबिक में दिखा है 1, तो इसका हमारा रोमन न्यूमरल हो जाएगा 5, 2 का हो जाएगा तो मान लो हमारा यहाँ हो जाएगा डबल आई, 3 ट्रिपल आई, फिर 4 आई वी, 5 हो जाएगा वी, 6 वी आई, 7 वी डबल आई, 8 वी ट्रिपल आई, 9 आई और एक्स। इसके बाद हम आते हैं हिंदू अरेबिक न्यूमरल, मतलब 10 हो जाता है, तो 10 के लिए हो जाएगा एक्स, 20 डबल एक्स, 30 ट्रिपल एक्स, 40 एक्स और एल, 50 हमारा हो जाएगा एल, 60 हो जाएगा एल और एक्स, 70 हो जाएगा एल डबल एक्स, 80 हो जाएगा एल ट्रिपल एक्स, 90 हो जाएगा एक्स और सी। इसके बाद आएंगे हम 100 सी, 200 डबल सी, 300 ट्रिपल सी, 400 सी और डी, 500 हमारा हो जाएगा डी। इसके बाद हम आते हैं एक्सरसाइज 2। एक्सरसाइज 2 में हमारा पहला क्वेश्चन है राइट द रोमन न्यूमरल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स, मतलब ये हमको दिया है हिंदू अरेबिक में दिया है, इसको हमको किस में लिखना है, रोमन न्यूमरल्स में लिखना है। तो इसको हम लिखने के लिए सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, हमारा पहला क्वेश्चन है 78, तो इसको हम करेंगे 70 + 8, यानी हम टू पार्ट में इसको कर देंगे 78 को, तो हमारा हो जाएगा 70 + 8। तो 70 का हो जाएगा हमारा एल डबल एक्स प्लस 8 का हो जाएगा वी ट्रिपल आई, इसको हम मिला के लिखेंगे तो हो जाएगा एल डबल एक्स वी आई, ये हमारा हो जाएगा आंसर। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, 189, इसको भी हम उसी तरह से सॉल्व करेंगे। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, राइट द हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स करिस्पॉन्डिंग टू ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पे हमको दिया है
रोमन न्यूमरल्स में दिया है, इसको हमको हिंदू अरेबिक में लिखना है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, एल एक्स आई एक्स इज इक्वल टू, इसको भी हम टू पार्ट में करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा एल एक्स प्लस आई एक्स, एल एक्स हमारा हो जाएगा 60 प्लस आई एक्स हो जाएगा 90। अब दोनों को मिला के यानी प्लस करके लिखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 69, ये हमारा हो जाएगा आंसर। इसके बाद के हम सारे क्वेश्चन आप लोग करेंगे।